कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अलाउद्दीन ने कहा था कि मुझे 12,000 से भी महंगी चीज जो है मुझे मिली है, और उसके बाद मैंने तुरंत खबर लगा दी थी और उस खबर का नतीजा देखिए कि 12 घंटे के अंदर ही जो है वो सब चीजें अलाउद्दीन ने जो है वापस कर दी। यानी जैसे ही ये खबर वायरल हो जाती है यानी सोशल मीडिया पे, और ये तमाम कोशिश जो है आप लोगों की भी है जिन लोगों ने आसपास भेजने के बाद उस इंसान का पता लग जाता है और उसने कहा कि ये मेरी चीजें घिरी है, और अलाउद्दीन जो है यानी पुरानू माले के रहने वाले हैं और उन्होंने जो है मुझे फोन कॉल किया था और उन्होंने बताया कि मुझे 12,000 से भी महंगी ये चीज मिली थी। और अब मैं आपको बता दूं ये 12,000 से महंगी चीज एक संदीप नाम का व्यक्ति जो है शिवा का रहने वाला, जो जैसे ही डोडा आता है उसके बाद एक अंगूठी लेता है यानी सोने की अंगूठी लेता है और 12,800 रुपए की अंगूठी खरीद कर यानी 1,00,000 ज्वेलरी जो है वहां से लेता है और उसके बाद यहां से वापस चला जाता है। जैसे ही ये नेशनल हाईवे से उतरता है यानी जो वहां से गढ़सू से अपने घर के लिए रास्ता है वहां से उतरने के बाद इसके जेब से वो अंगूठी गिर जाती है। उसके बाद ये अंगूठी अलाउद्दीन को मिलती है और अलाउद्दीन जो है किस तरह से अपनी ईमानदारी दिखाते हुए ये खबर मुझ तक पहुंचाते हैं और उसके बाद मैं ये खबर लगा देता हूँ। उसके बाद ये खबर 12 घंटे के अंदर ही जो है अलाउद्दीन को फोन आता है कि भाई साहब ये जो घिरा हुआ सामान है ये मेरा है और इसमें इतने का बिल है और ये चीजें। उसके बाद तुरंत अलाउद्दीन के पास वो इंसान पहुंचता है और अलाउद्दीन जो है उसको ये वापिस कर देते हैं। और उस दिन एक खबर में एक और चूक हो गई थी, मैंने आलमदीन कहा था लेकिन उनका नाम जो है अलाउद्दीन है और पेशे से वो ड्राइवर हैं और किस तरह की ईमानदारी उन्होंने दिखाई थी, हो सकता था कि वो अपने पास रख लेते या खुद पहन लेते, किसने पूछना था कहां से ये सोने की अंगूठी आई, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए। और उसके बाद जब मेरी संदीप से बात हुई तो संदीप ने कहा कि सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका, लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर आपको शुक्रिया करना है तो अलाउद्दीन का कीजिए जिन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई है और किस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह की खबर को जो है वायरल कर दीजिए। यानी परेशान था संदीप क्योंकि 12,000 की वो 12,000 से महंगी चीज ली हुई थी और दर दर भटक रहा था। उसके बाद घिरने के बाद वो पुलडोडा पहुंचता है अपने दोस्तों तक और बहुत सारी जगह जहां जहां वो रुकता है, जगह जगह पहुंचने के बाद उसको फिर नहीं पता चलता और निराश होकर वो घर चला जाता है। लेकिन जैसे उसके दोस्त शाम के समय ये खबर देखते हैं तो तुरंत उसको फोन करते हैं कि किसी को इस तरह से इतनी महंगी चीज घिरी हुई मिली है, और तुरंत उस फोन नंबर पे कॉल करता है और वो चीज जो है वापस अलाउद्दीन उसको दे देते हैं। अगर कभी भी आपको कोई सामान घिरा हुआ मिले और अगर किसी को भी कोई चीजें सड़कों पे मिलती है या फिर गाड़ी में यहाँ पर या पैसेंजर शेड में अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज मिलती है तो ईमानदारी से वापस कर दीजिए, या फिर आपको लगता है कि आप मीडिया के पास नहीं पहुंच सकते तो आप पुलिस से भी राब्ता कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर वापस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भूल जाते हैं। और इस तरह से अलाउद्दीन ने जो है अपनी ईमानदारी दिखाकर संदीप की अंगूठी वापस लुटवा दी यानी वापस दिला दी। तो इस तरह से अपनी ईमानदारी दिखाइए, बस मैं ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि अलाउद्दीन की वो ईमानदारी और किस तरह से संदीप जो है किस तरह से नाराज था, उसके बाद अंगूठी मिल जाती है उसे, क्योंकि 12,000 बहुत बड़ी रकम होती है। आपको क्या लगता है? और इस तरह से अगर आपको भी लगता है कि कहीं कोई चीज मिलती है तो आप किसी मीडिया के लोगों से रابطہ कर सकते हैं या फिर पुलिस आसपास की पुलिस जो आपकी पुलिस पोस्ट होगी या पुलिस स्टेशन वहां पर रابطہ कर या किसी एनजीओ से बात कर ताकि इन लोगों तक पहुंचा दिया जा सके। यानी कोई जरूरी सामान हो, बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, ये तमाम चीजें। और अलाउद्दीन की ईमानदारी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और इस खबर को ज्यादा फैलाएं क्योंकि डोडा की जो पहचान है हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की वो तमाम चीजें जो है इन खबरों में जो है दिखती है।